बट यहाँ गुजरी कम दिख रही है या कपल ज्यादा दिख रहे हैं? देखो आर्किटेक्चर यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ अच्छा यहाँ बैठता था राजा, तो यहाँ पर रानियाँ बैठती होंगी ना फिर? नहीं नहीं वैसे देख रहा हूँ। तो सो भाई फिलहाल अभी जा रहे हैं इसमें भूल भुलैया में अंदर। देखो भाई There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. तो फाइनली भाई अब मैं आ चुका हूँ ग्वालियर फोर्ट में। बहुत सुना था इसके बारे में और आज आखिरकार ये देख ही लिया। ये देखो भाई कुछ इस तरह से है। और हमारे होस्ट दोस्त और हमारे गाइड हमारे सनी भाई आज इसके बारे में बताएंगे। सनी भाई बताओ कुछ कुछ जो भी आपको पता हो, मतलब कि थोड़ा बहुत जितनी भाई को नॉलेज होगी भाई से पूछता रहूंगा मैं जो भी है इसके बारे में। और देखो पूरा यहाँ से ग्वालियर दिखता है। तो बहुत ऊपर आके है ये, तो बहुत ऊंचा है भाई ये। देखो भाई ये पूरा ऐसे करके यहाँ से नीचे तक जाएगा ऐसे करके। ये गुजरी महल कर रास्ता है ये वाला। यहाँ से जो इतने भी हाथी वगैरह रहते थे ना, यहाँ से हाथी वगैरह आते थे हमेशा। तो मतलब ये वाला जो रास्ता है ये गुजरी महल का रास्ता है। ये क्या है कि राजा जो तोमर राजा थे ना यहाँ पे, उन्होंने गुजरों की जो वो थी महारानी, वो थोड़ा लाउड बोलो थोड़ा, जो गुजरों की रानी थी ना उन्हें वो बहुत पसंद आ गई थी। अच्छा। तो फिर उन्होंने उनसे शादी की थी तो उनके लिए एक अलग महल बनाया था, तो उसका नाम गुजरी महल रखा था। तो वो वहाँ पर है। और ये वाला जो गेट है ये गुजरी महल गेट कहा गया है। तो यहाँ इस वाले गेट से क्या ज्यादातर हाथी वाती जितने भी रहते थे यहाँ पे महल में, सारे हाथी वगैरह यहाँ से आते थे। और जैसे राजा वगैरह थे वो उरवई गेट जो मैंने तुम्हें दिखाया था ना, जिससे अपन लोग आए थे, उससे आते थे। तो वैसे इसका जो मेन गेट है वो कौन सा है जिससे हम आए? उरवई गेट। तो भाई जिससे हम अभी आए थे वो उरवई गेट था। और ये गुजरी महल का रास्ता है ये वाला। बट यहाँ गुजरी कम दिख रही है या कपल ज्यादा दिख रहे हैं? देखो वही है भाई दिल्ली वाला हाल है यहाँ पे भी पूरा। जैसे दिल्लियों में आते हैं ना पिकनिक मनाने के लिए टूसन गोल मार के, ऐसी है भाई यहाँ पे। कपल ही कपल ज्यादा है वैसे, टूरिस्ट तो कभी लग रहे हैं मेरे को। कपल ही देखेंगे। चलो भाई कपल भी देखते हैं और साथ में भाई फोर्ट को भी देखते हैं। लेकिन बना हुआ बड़ा प्यारा है ये भाई। देख रहे हो 15वीं शताब्दी की क्या बोलते पेंटिंग है। अब सोचो 15वीं शताब्दी का पेंट आज तक टिका हुआ है। आर्किटेक्चर यहाँ का बहुत अच्छा है। ये तो है भाई, पहले कलाकृति बहुत अच्छी थी। ये कौन है? मानसिंह। मानसिंह तोमर जी, उन्होंने बनाया था ये महल। तो इसमें पेंटिंग वेंटिंग नक्काशी सब 1500 के समथिंग की है। 1500वीं शताब्दी, क्या नाम है क्या बोलते हैं उसे, 15th century है। तो खैर प्यारा, काफी ज्यादा प्यारा है भाई बना हुआ। अच्छा मतलब यहाँ पे राजा बैठा करते थे? यहाँ अच्छा यहाँ बैठता था राजा, तो यहाँ पे रानियाँ बैठती होंगी ना फिर? रानियों को भाई अपने हिंदू प्रथा में पर्दा पोछा रहती थी। अच्छा अच्छा, देखती थी। ये क्या चीज है यहाँ पे जो बना हुआ है? ये ऑडियंस ऑडियंस रानियों की, कुछ बहुत लोग बैठते हैं लेकिन रानियों की यही जगह फिक्स थी। लेकिन एक बात है भाई, यहाँ की जो पेंटिंग्स वगैरह है अभी तक खराब नहीं हुई पूरी की पूरी, है ना? जो मतलब की कुछ कुछ खराब हो गई है लेकिन भाई पेंटिंग एक नंबर बनी हुई है। पता उसमें किस टाइम के कलर यूज किए गए थे? ये देखो उस टाइप से बना हुआ है कुछ पूरा। लेकिन भाई जैसे बाहर राजा का दरबार वगैरह लगता था तो यहाँ पे बैठ के देख लेते थे लोग कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। रानियों को क्या भाई बाहर निकलने को मिलता नहीं था ना? हाँ रानियों को थोड़ा जिंदगी ऐसी थी, जिंदगी तो मस्त थी उनकी, थोड़ा सा अंदर थी। लेकिन इधर भी ये सब चीजें बंद पड़ी है, पता नहीं क्या क्या है इधर। ये मैं कह रहा था ये क्या है इधर? नहीं नहीं वैसे ही देख रहा हूँ। तो सो भाई फिलहाल अभी जा रहे हैं इसमें भूल भुलैया में अंदर। देखो भाई पता नहीं भाई खो खा ना जाए, खो ना जाए, खोएगा नहीं भाई इधर। तो ये क्या चीज बनी हुई है? ये सब भाई घरों के, ये सब क्या है वेंटिलेशन की। अच्छा पूरा होल पास सा है इसमें। यहाँ से अभी अच्छी तरह रहता तो कुछ साउंड का था कि यहाँ से कुछ बात कही जाती थी तो
तो एक्चुअली इस हिसाब से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है इनका कि ना मतलब यहाँ से कुछ कहो तो फिर जैसे मतलब राजा अपने नीचे से कुछ बात कर रहा है, अगर एक खंभे में कुछ बात कर रहा है तो थोड़ा वाले कमरे तक बात जा रही है। नहीं, वैसे पहले टाइम की जो साइंस थी वो बहुत ज्यादा अद्भुत थी, इधर से भी ऐसे बनाया हुआ है। तो ये मतलब अपन इतना ऊपर चढ़कर आए हैं, उतनी ही ज्यादा गहरी है, मतलब सब कुछ बंद कर दिया अभी तो इधर भी नीचे भी है। ओ भाई वैसे है काफी ज्यादा डरावनी है, इसमें खोजा जाती है तो थोड़ा मुश्किल है अकेले आदमी के लिए। क्या बनाया हुआ भाई, जो अपना उरवई गेट था ना, हाँ हाँ, जहाँ पे अपन ऊपर खड़े होकर बात कर रहे थे उसकी के नीचे हैं अपन, बिल्कुल सामने वो, सॉरी हाँ, गुजरी गेट। इस महल के अंदर कुछ होना हो लेकिन आशिकों को 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए आपका मध्य प्रदेश सरकार को। ये देखो भाई कितने ऊपर जाके इसने क्या क्या लिखा है, शिवानी और ये क्या चीज पता नहीं क्या, देख रहे हो कैसे चढ़ गया ये, बड़ी हिम्मत मानता हूँ भाई मैं इसकी कसम से। अगर अंग्रेज आज जिंदा होते या राजा महाराजा जिंदा होते तो इसको 100 तोपों की सलामी दी जाती। ये क्या है ये कैसा बनाया हुआ है, वैसे इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, कोई आदमी खुद आए देखने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए तो कुछ समझ में आएगा, वरना ये कुछ ऐसे ही है पूरा का पूरा खंडर हुआ पड़ा है। ये कुछ इस तरह के बरामदे वगैरह हैं, कुछ रूम हैं, कुछ हॉल हैं, तो इस टाइप का ही है पूरे में। ऑलमोस्ट घूम ही रहे हैं और पूरे पे ज़्यादातर तो नाम वगैरह ही दिख रहा है मेरे को। ये देखो मजनू, कोई एन वी पता नहीं कौन कौन है, मैं भी यहाँ नाम लिख जाता हूँ, मोहित यूट्यूबर फ्रॉम बुलंदशहर। हाँ इस साइड से, अरे ओ कसम बहुत सही भाई, इधर से व्यू व्यू बढ़िया है। ओ भाई साहब कितना बड़ा है, इतना ही बड़ा, इस तरफ इतना, चारों तरफ इतना ही बड़ा बड़ा है। अच्छा जो अभी हम वहां से देख रहे थे वो उस साइड का व्यू था, और अभी अच्छा लेफ्ट राइट तो ये भी इस साइड, ये भी है कुछ महल बना हुआ है छोटा सा, ये शायद से तो वो है, अरे कौन थे यार वो, तानसेन का मकबरा। अच्छा तानसेन का मकबरा नीचे। वैसे भी भाई मेरे को कुछ बता रहे थे कि इस पे महल पे हर किसी मतलब कि परमानेंट ये किसी का नहीं रहा, अजय तो, अजय महल है। अजय तो क्या क्या कह रहे थे बताओ एक बार मेरे को। मतलब ये महल ऐसा है कि इस पे अलग अलग शासकों ने राज किया है, ये किसी एक परमानेंट शासक का नहीं रहा, इसलिए इसे अजय किला कहा जाता है। अच्छा तो इसमें क्या है कि कभी तोमर शासक रहे, कभी कुशवाहा शासक रहे, कभी जाट शासक रहे, कभी मराठा रहे, कभी सरदारों ने भी इस पे राज किया था। तो मतलब किसी एक वंश का या किसी एक कुल का राज नहीं रहा यहाँ पे, जो जो अलग अलग राजा आए, मुगल आए, सब आए तो, और जाट आए, और फिर उसके बाद क्या होता है तोमर, सबसे पहले तोमरों ने स्थापित किया था, लेकिन फिर उसका अलग अलग कुल के राजाओं ने इस पर राज किया। लाइक वो ये कि मतलब कि कोई भी इसको परमानेंट जीत नहीं पाया इस किले को, और मतलब थोड़े थोड़े टाइम में कोई ना कोई राजा चेंज होता गया, 10 साल में 5 साल में करके, तो ये महल काफी बार टूटा भी है और काफी बार बना भी है। और बाकी फिलहाल तो यहाँ पे नज़ारे नेक्स्ट लेवल है, और भाई सिंडिया ओए, ये देखो भाई रास्ते, है इधर रास्ता जाने का ही है इधर से। पूरा का पूरा ऑलमोस्ट वो ऊपर का पूरा है, अब मैं समझ गया जमाना बिगाड़ा हुआ है। वो मेरा सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं। ये क्या है इधर वैसे इसको ओयो में कन्वर्ट कर दिया जाए तो सही है। एक कसम से बता रहा हूँ, ये तुम्हारे मतलब ये ग्वालियर का, तुम्हारे ग्वालियर का ना, नहीं हकीकत बता रहा हूँ, ये ओयो में कन्वर्ट होना चाहिए। ये बढ़िया मस्त यहाँ पे डिनर विनर सेटअप, यहाँ पे बावर्ची खाना बनाता था। अरे यार ये बावर्ची के लिए रसोई है। ओ, ये देखो भाई कुछ इस तरह से है।
नहीं ऑलमोस्ट इसमें कुछ खास ऐसा देखने लायक है नहीं और ना ही इसमें कुछ दिखाने लायक मेरे को लग रहा। सबका सब ऐसा है ना कि बहुत सारे किले हैं। अभी अपन ने एक देखा, जैसे अपन ने वो देखा था भूलभुलैया देखी थी, करण मानसिंह महल देखा था, भूलभुलैया देखी थी, और अपन ने और कौन सा देखा था, नीचे जौहर कुंड देखा था। फिर उसके बाद हर जगह पे कुछ ना कुछ 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 चीजें होती है। अब ये जगह कुछ इतनी ज्यादा इसका इतिहास रहा नहीं, इसलिए इसकी देखो स्थिति कैसी है, मेंटेन भी नहीं है, पूरा ऐसे टूटा पड़ा। जो चीज बड़े भाई आप लोग कहाँ से आए हो? ये YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो कहाँ से आए हो आप लोग? आगरा से आए हम लोग। अच्छा आगरा से आए हो। आपको नहीं लगता ये ओयो घोषित कर दिया देना चाहिए है? ओयो घोषित कर देना चाहिए। हाँ मुझे लगता है कि सब पैसा बेचो बर्बाद करते हैं। उस समय पे ना मैं सिंगापुर दुबई ऐसे 10 को कंट्री खरीद लेते हैं। तो खरीदा था कि नहीं खरीदा? ये तो है, ये तो सही कह रहे हैं। उस टाइम पर अगर इतना पैसा खर्च किया गया तो दुबई बन जाता मस्त यहाँ पे इतने में तो। अच्छा ये लिख रहा जहांगीर महल। तो भाई ये सामने, ये मतलब कि जहाँ पर भी हम घूम रहे हैं फिलहाल, ये जहांगीर महल है और इसके सामने यहाँ पे एक कुंड है, बावड़ी। तो बावड़ी बावड़ी पहले बावड़ी बोलते थे मेरे को लगता है। जब मैं आपको दिखाता हूँ, ओ भाई पहले जब हिंदू राजा रहा करते थे ना तो इसके अंदर मतलब पहले ये जौहर कुंड हुआ करता था, इसके अंदर मतलब सारी रानी वगैरह जब राजा। लेकिन मेरे को लगता है कि जितने भी अंग्रेज लोग मतलब वैसे थे तुम्हारा जैसे मुगल टाइप के जितने भी लोग थे उनके में जौहर वाला सिस्टम नहीं होता था। मुगलों के यहाँ जौहर का होता था भाई। मुगलों के यहाँ तो क्या बोलते हैं, राजा जीत गया वो राजा, पुराने राजा की रानी इस नए राजा की रानी हो गई। अच्छा लेकिन वही तो जौहर क्यों शुरू हुआ भाई, क्या बोलते हैं, जब से मुगल जो थे राजा और जो विदेशी आक्रमणकारी जो ये लोग आते थे ना, तो ये क्या करते थे भाई, पहले अपने क्या हिंदू कल्चर में एक अलग टाइप का वो था कि क्या बोलते भली भाई राजा जीत गया, जो राजा की रानी थी उनको छोड़ दिया जाता था भाई, अपने एक डिग्निटी मेंटेन करके जा रखी थे। लेकिन जो ये जो विदेशी आक्रमणकारी है ना, जो मुगल वगल आए, तुर्की वर्की के जो भी अफगान आए, जो राजा की रानी रहती थी उन्हें अपनी मतलब भाई मतलब उनको शादी कर लेते थे, परेशान करना उनके साथ में, हाँ भाई बदतमीजी करना। तो इस चक्कर में रानियां क्या अपनी भाई, अपन हिंदू रानियां बहुत स्वाभिमानी होती थी है, और राजा भी बहुत स्वाभिमानी होते थे, अपने आत्मसम्मान के लिए मरना ज्यादा बेहतर है। तो इस चक्कर में, इसी चक्कर में क्या बोलते हैं जौहर वगैरह इसलिए होता था। इतना बड़ा ये कुंड हुआ करता था, इसमें कूद जाया करते थे पहले सब लोग, ऐसे ही होता था, ऐसे नहीं कूदते थे नॉर्मल, पहले तो? इसके अंदर आग लगाई जाती थी जौहर कुंड वही। हाँ हाँ जौहर तो मतलब यहाँ पहले इसको लकड़ी से भरेंगे फिर उसको जला देते थे आग लगा के, फिर सारी रानियां वो पूरा। लेकिन इनको ऑलमोस्ट पता चल जाता होगा ना कि ऐसे ऐसे हम हारने वाले हैं, ऐसा होता था ना कि जैसे हम नीचे युद्ध चल रहा है बाहर अगर ग्राउंड में, तो एक कोई ऐसा खबरी रहता था जो वहाँ से एक इशारा कर देता था कि ना एक कोई झंडा लहरा देगा कुछ, अच्छा, कुछ ना कुछ इशारा कर देगा कि हारने तो वाले, पता पड़ जाएगी कि भाई आज हमारी हार निश्चित है और राजा निकल मतलब खत्म होने वाले। सब रानी इसमें कूद जाती है, सारी जितनी भी महल की रानी नहीं जितनी भी क्या बोलते हैं जो भी उनकी दासी वगैरह होती थी, दासी सब जौहर कर देते थे। मेरे को लगता है उस साइड से जगह है इसमें चलने की, चलेंगे? नहीं अंदर की एंट्री बंद है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. तो मैं ये कह रहा था मथुरा, जैसे मैं गया ना एक बार तो मथुरा पे कंस किला गया था मैं, तो वहाँ पे एक ने मुझसे बोला, मुझसे बोला एक ने बोला मैं तुम्हें पूरा का पूरा घुमा देता हूँ, मेरे को जो है तुम 50 रुपए दे देना। कंस किले में था क्या कुछ? कुछ तो नहीं था, जन्मभूमि के पास ना वो कंस किला। हाँ कंस किला वही, मेरे को नीचे से लेके ऊपर तक तो लेके गया। हाँ। नीचे से उसने सब कुछ मेरे को बता दिया, यहाँ ऐसे था, यहाँ ऐसे था, वहाँ ऐसे था। ऊपर ले आके बोलता है ये महल है बस, अब इसमें जो है इतना ही रह गया, कुछ है नहीं महंगी। तो भाई और कुछ तो बता, मतलब बता तो दिया। मैंने कहा रद्द हो गई, फिर भाई ऐसे ऐसे करके है पागल बनाते हैं लोग। और ये देखो पूरे में अभी तो झाड़ी वाड़ी है, ये बरसाती पेड़ वगैरह है, अगर बरसात होगी तो ये खिल जाते हैं, नहीं तो पूरा ऐसे ही बन जाता है। और गर्मी बहुत ज्यादा है ऑलमोस्ट, एंड है अभी ये, मतलब अच्छा। हाँ यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, वो भी देखने के लिए जाएंगे, वो मस्त जगह होगी अपने देखने के लिए। हमारे पूर्वज होंगे भीम सिंह राणा जी। अच्छा भीम सिंह राणा जी जाटी थे ये। अच्छा अच्छा भीम सिंह राणा जी राज किया भाई, बहुत गर्व है। नहीं भाई ग्वालियर इतने बड़े किले पे जाटों ने भी अपना परचम लहराया है भाई, जाट किसी से कम थोड़े ना है। अब एक जाट ऐसा भी जो भाई दोपहरी में घूम रहे हैं दोनों भाई, देख लो 40-42 टेम्परेचर है और मस्त, देख लो ये मंदिर है। हाँ आई थिंक ऐसे ही मंदिर वगैरह कुछ है, लेकिन ऐसे है अच्छा ये ऊपर के लिए था, तो मतलब कि इनकी याद में या फिर कुछ इनकी याद में। इन्होंने क्या है
10-15 साल के आसपास राज किया था यार, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इन्होंने लिखा होगा ना इधर, हाँ इधर देखते हैं। तो भाई काफी अच्छी एक छत्री बनाई हुई है, मतलब एक लाइक याद के लिए 52 साल तक राज किया था। फिर उसका जो मराठा थे ना यार, अच्छा 2 साल तक धोखा वोखा दे दिया था अपन को, मतलब मराठा लोगों ने धोखा दिया था। हाँ, मतलब अपने जाट सैनिक थे ना, हाँ हाँ, उनको मराठाओं ने कुछ ऐसा करके अपनी जो तोपें थी ना भाई, हाँ, तोपों में बाजरा भर दिया था। अच्छा, और है ना, फिर उसका पूरा पूरी तोपे में बाजरा भर के, हाँ, और साइलेंटली अटैक कर दिया। तो राजा भाई तभी तो कुछ ज्यादा बना नहीं पाए यार, उनकी याद में छत्री बना दी बस। लेकिन वो इतने वीर राजा थे, वो कभी भाई हारे नहीं। वो ही है ना, पहले जो लोग थे ना, धोखा ही उनको मिला, इसीलिए कहते थे ना बोला घर का भेदी लंका ढाता है, बोला हिसाब था कि जो अपने अपने लोग थे उन्होंने ही धोखा दिया, उसी हिसाब से फिर राजा महाराजा सब एक देख करके खत्म होते चले गए। और आज के टाइम में देख लो, ये बस खाली है वैसे ना, क्या बोलते हैं, ये थोड़ा 15-20 साल ये भी राज कर पाते, हाँ, तो अपना भी यहाँ पे कुछ ना कुछ जाटों के बारे में भी कुछ ना कुछ बड़ा इतिहास होता है। ये तो है, लेकिन वो ये धोखा दे दिया राज किया। गोवध में इन्होंने, इनका इतना बड़ा इतिहास है अपना गोवध के अंदर जाटों का पूरा राजवंशी। लेकिन राजस्थान में भी तो काफी ज्यादा बताते हैं, राजस्थान में भी है भाई, क्या बोलता है, राजस्थान में दूसरे आए थे राजा सूरजमल जी, सूरजमल जी जाटों का बहुत बड़ा, वो भरतपुर में, उनका किला भाई ऐसा है, लोहगढ़ का किला बोलते हैं उसे भरतपुर में। अच्छा, वो भाई वो ऐसा किला है कि उसे अंग्रेज क्या कोई भी जो मतलब मुगल हो या अंग्रेज हो, कोई भी उस किले को जीत नहीं पाए थे। वो दो दीवारों का किला बनाया उन्होंने, मतलब उसे तोप भी नहीं मार सकती, उसे अभेद किला कहा जाता। लेकिन मैंने उसके बारे में ये सुना था कि वो दिल्ली से अकबर के यहाँ का गेट भी उखाड़ के लेके आए थे, वो है ना, मैंने उसके बारे में पढ़ा था, आई थिंक 9th या 10th क्लास में हिस्ट्री में पढ़ाया गया था कि पूरा का पूरा गेट ही उखाड़ के ले आए थे। हाँ, ये फ्रंट पे लगाया हुआ, मतलब लगा लो यार, उस टाइम पे कितने महान लोग हुआ करते थे, इतने पावरफुल हुआ करते थे, बस ये कि अपनों ने धोखा दिया तो उस तरह खत्म होते चले गए। बाकी तो फिलहाल भाई, भाई जाटों में ये बात तो है। अभी देख लो दिल्ली में लगे हुए हैं गर्मी में बेचारे, इतने सारे जो हमारे खिलाड़ी हैं, रेसलर्स जितने भी हैं, इतनी भयंकर गर्मी है। लगा लो अभी जहाँ पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पे 40 के समथिंग में टेम्परेचर है, और दिल्ली में भी अप्रोक्स इतना ही होगा। मेरे को इतना भारी हो रहा है इधर चलना, तो वो लोग यार गर्मी में इतना वहाँ बैठे रहते हैं। और सैल्यूट है भाई, खिलाड़ी है यार, देश को इतना कुछ दिया और हाँ, उसका आज वो सड़क पे बैठ रहे हैं, बहुत लेकिन शर्म की बात है। ये तो है, मेरे को तो लगता है जब से अभी मतलब पिछले कुछ टाइम से देख लो, जितने भी किसान हो गए ऑलमोस्ट वो सभी जाट थे, उसके बाद में पूरे पंजाब से हो गए, उसके बाद में आपका अभी खिलाड़ी जितने भी है पता नहीं क्यों प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और क्या रीज़न है भगवान जाने। अभी फिलहाल तो भाई महल घूमते हैं, अब इस बारे में कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते ना, क्या पता पॉलिटिकली सपोर्ट हो भाई, लेकिन है ना बोलना भी चाहिए। बहुत जल्दी कर देता है भाई, इसके साथ हो रहा है छोड़ो, लेकिन जब कभी अपने साथ गुजरती है ना फिर लगता है साला मेरा कोई साथ नहीं दे रहा भाई, अगर फिर अपने को बड़ा गंदा फील होता है। लेकिन भाई जब भाई एक के साथ हुई थी दिक्कत, एक के साथ हुई थी, लेकिन सारे एक साथ आए ना, अगर वो सब ये बोल देते कि अरे हमें क्या करना, वही तो भाई फिर ऐसे तो बेचारे जिसके साथ प्रॉब्लम हो रही है वो तो कहीं फिर वो तभी तो बोलते हैं भाई कि एकता होना बहुत जरूरी है। वही है भाई, दुनिया गोल है, चक्र घूम के आपके पास भी आ सकता है, तो इसलिए कभी अगर किसी के साथ में प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो देख रहे हो ये जिस तरह से खंडर बन गए हैं ना, ये बस जिंदगी ऐसी है, 2 मिनट में खंडर बन जाती है। सही कह रहा है भाई यार, बहुत सही बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। सब लोगों का सपोर्ट करो, और मैं ही व्लॉग कर रहा हूँ, मेरा भी सपोर्ट करो भाई, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि हकीकत बात है भाई, सपोर्ट करना चाहिए। वो एक क्लास में सिखाते थे ना पहले जब छोटे से थे कि एक लकड़ी पकड़ो टूट जाएगी, अगर इनको 10 करके तोड़ो तो नहीं टूटेंगी, तो वो ही है, एकता में ही पावर है, जो कि होनी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल प्यास लग रही है, पानी पीते एक घंटे से घूम रहे हैं भाई, पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और ये देख लो भाई, इस तरह का महल बना हुआ है कि अब पानी भी नहीं मिल रहा, इतना ज़्यादा तरस गए हम पानी के लिए। मिलेगा भाई, और कभी यहाँ राजा महाराजाओं के क्या ठाट रहा करते होंगे। फू, ये कौन सा कर्ण महल, ये वाला भाई कर्ण महल है, आई होप आपको दिख रहा होगा धूप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भयंकर धूप हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। देखो भाई, ये है जेल जो हम ढूंढ रहे थे ना, ये कुछ इस तरह की जेल बनी हुई है। और भाई उस टाइम का लोहा भी देखो कितना भयंकर है, कितनी हार्ड बनी हुई है, ओ तेरी खुलिया। ये देखो भाई कुछ इस तरह से है, ये जेल बनी हुई है, ये देखो इस साइड में बनी हुई है, ये रही एक ये रही। There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room.
damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first day. So finally भाई अपना पूरा का पूरा ग्वालियर फोर्ट देख लिया है, बड़ी काफी ज्यादा इच्छा थी इसको देखने के लिए, संभव हो आया है हमारे सनी भाई की वजह से, और भाई पूरा भाई ने दिखाया पूरी दोपहरी में, ऑलमोस्ट अभी टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, 12-1-2 बजे होंगे अभी, तो गुरुद्वारा चलेंगे। हाँ अभी हम यहाँ पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा देखने के लिए कितने 12:30 बज गए, 12:30 बज गए भाई, और अभी फिलहाल यहाँ पे गुरुद्वारा है वो देखने के लिए जा रहे हैं। बाकी कुछ इस तरह का पूरा महल था जो कि मैंने आपको दिखा दिया, तो प्लीज यार लाइक करो, कमेंट शेयर प्लीज। भाई ये वाला गुरुद्वारा है जो अपना ग्वालियर फोर्ट के अंदर है, कुछ इस तरह से है भाई ये देख सकते हो, और बाकी भाई पैर बहुत भयंकर चल रहे हैं यहाँ पे, और बाकी अंदर दर्शन तो कराए, अब निकल रहे हैं भाई यहाँ से अपना घर के लिए, कुछ इस तरह का है देख लो गुरुद्वारा भाई पूरा का पूरा। वो आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया पेंटिंग बनी हुई है, पेंटिंग क्या बनती है, आर्किटेक्चर बना हुआ है पूरा का पूरा, दीवार काट के बनाया हुआ है, ये बौद्ध धर्म की है ना, बौद्ध धर्म की बनाई हुई है, और पूरा का पूरा पहाड़ी काट के बनाया गया है भाई, देखो उस साइड भी है इस साइड भी है पूरे में, किसने, लेकिन पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए। There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room, damn what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you.